हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला। मैं हूँ आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को TGT, PGT, GIC, DSSB जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, फ्री कोर्स पढ़ा रही हूँ मैं आपको और PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। और मैंने शुरू किया है बायोलॉजी में बॉटनी। बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें वायरस बैक्टीरिया पढ़ाया जा चुका है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। और मैंने उसके बाद एल्गी स्टार्ट किया है जिसका पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके क्लासेस देख लीजिए प्रीवियस, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं TGT PGT की, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं विजिट करके। और PDF नोट्स के लिए जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे, जहाँ पे प्रीवियस सारी क्लास के PDF अवेलेबल हैं, ठीक है, और आज की क्लास का भी PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो जुड़ जाइए ग्रुप में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री कोर्स मिल सके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने एल्गी में क्या पढ़ा था, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्गी क्या होता है, ठीक है, और एल्गी के कुछ जनरल करेक्टर्स देखे थे। उसके बाद एल्गी का जो आपके सिलेबस में मेंशन है क्लासिफिकेशन फ्रिज का, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद आपके सिलेबस में पढ़ना है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में और ब्राउन एल्गी के बारे में, रेड एल्गी के बारे में और ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, और आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी के जो इम्पोर्टेंट जेनरा हैं जो पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के जेनरा को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला इम्पोर्टेंट जेनरा है वो है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जेनरा हैं इसके जिसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो जितने हैं उन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटोरिया का सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन देखिए, जो ऑसिलेटोरिया है इसको किस डिवीजन में रखा गया है, साइनोफाइटा, ठीक है, डिवीजन है साइनोफाइटा। क्लास क्या है, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रिज के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो साइनोफाइसी क्लास है इसको उन्होंने मिक्सोफाइसी कहा था, ठीक। उसके बाद ऑर्डर क्या है, नॉस्टोकेल्स। फैमिली है ऑसिलेटोरिएसी एंड देन जीनस है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ऑकरेंस क्या है ऑसिलेटोरिया की, तो मतलब कहाँ पाया जाता है ऑसिलेटोरिया, अगर उसके बारे में बात करें तो ऑसिलेटोरिया फाउंड इन अ वाइड वराइटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड सब एरियल हैबिटेट्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सब एरियल हैबिटेट्स भी रखता है, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड में, पुल में, रिवर में, इन सब जगहों पे पाया जाता है और सब एरियल हैबिटेट्स भी शो करता है, ठीक है। द एल्गा फॉर्म्स एक्सटेंसिव सीड्स अलॉन्ग द मडी बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड ऑन डैम सॉइल। मतलब अगर हम ऑसिलेटोरिया की बात करें तो ऑसिलेटोरिया जो है एक चादर जैसा बना लेता है, ठीक है, एक चादर जैसा कवर करके रखता है किसको, जिस ये अगर नदी के किनारों पे पाया जा रहा है तो जो नदी का किनारा होता है वो मडी होता है, ठीक है, वहाँ पे कीचड़ होते हैं, तो उनके ऊपर एक चादर की तरह परत बना के ये उस मड को कवर करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड्स और जो डैम सॉइल है, जो नमी वाली मिट्टी होती है, वहाँ पर भी उसके ऊपर एक चादर की तरह कवर बना के ऑसिलेटोरिया रखता है, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर एट द बॉटम ऑफ सैलो पॉन्ड्स, ठीक है, जो सैलो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो तालाब है, उथला तालाब होता है, उसके तल में भी ये एक पतली परत बना करके तल को पूरा कवर करके रखता है, ठीक है। तो ऑसिलेटोरिया क्या करता है, एक पतली चादर जैसा जो है एक्सटेंसिव सीट बना के रखता है मडी बैंक ऑफ रिवर्स में, पॉन्ड्स एंड डैम सॉइल पे। उसके अलावा जो सैलो पॉन्ड्स होते हैं उसके बॉटम पे भी ये एक पतली लेयर बना करके पूरा बॉटम कवर करके रखता है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया टेरेब्री फॉर्मिस, ठीक है, टेरेब्री फॉर्मिस इज फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। ये जो स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया टेरेब्री फॉर्मिस, ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता है। उसके अलावा ऑसिलेटोरिया सेलिना एंड ऑसिलेटोरिया लिमोसा ऑकर्स इन सेलाइन वाटर, ठीक है। ये जो स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया सेलिना और ऑसिलेटोरिया लिमोसा, ये सेलाइन वाटर में पाया जाता है। उसके अलावा ऑसिलेटोरिया रुबिसेंस जो है
ये कहाँ पे पाया जा रहा है, एसोसिएटेड विथ हाई लेवल ऑफ यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जो यूट्रोफिकेशन होता है जब एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पॉन्ड में, पॉन्ड में या फिर कहीं भी जो स्थिर वाटर होता है, मतलब स्थिर होता है पानी, तो वहाँ पे जब यूट्रोफिकेशन होता है, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन होती है, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जो एल्गी एसोसिएटेड होता है उसका क्या नाम है, ऑसिलेटोरिया रूबिसेंस। ये स्पीसीज जो है यूट्रोफिकेशन में एसोसिएशन देखने को मिलता है इसका। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में होगा यूट्रोफिकेशन तो आगे मैं आने वाली क्लासेस में यूट्रोफिकेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेटोरिया के थैलस की। तो ऑसिलेटोरिया का थैलस स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, तो ऑसिलेटोरिया इज़ फिलामेंटस एंड अनब्रांच्ड एल्गा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑसिलेटोरिया जो है ये अनब्रांच्ड एल्गा है और ये फिलामेंटस होता है। ठीक है, मतलब फिलामेंट से बन मिल करके बना होता है। ठीक, एंड फिलामेंट्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ठीक है, इनके फिलामेंट को क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। इन सम स्पीसीज जैसे कि ऑसिलेटोरिया प्रोबोसिडा, द एपिकल सेल ऑफ द फिलामेंट कैरीज अ थिकेंड मेम्ब्रेन नोन एज कैलिप्ट्रा। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो है ऑसिलेटोरिया की, जैसे कि ऑसिलेटोरिया प्रोबोसिडा जो है, इसका जो एपिकल सेल होता है, जैसे कि अगर ये फिलामेंट है तो इस फिलामेंट में जो ये एपिकल पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है, ठीक है, इसको एपिकल सेल बोलते हैं। तो ये जो एपिकल सेल होता है ये क्या करता है, काफ़ी थिक मेम्ब्रेन रखता है। ठीक है, काफ़ी मोटी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कैलिप्टा कहते हैं। ठीक है, इसको कैलिप्टा कहते हैं। ठीक, और ये कैलिप्टा किस में पाया जा रहा है, ऑसिलेटोरिया में पाया जा रहा है, ऑसिलेटोरिया के प्रोबोसिडा स्पेसीज में। ठीक है, द वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू फोर लेयर्स डेजिग्नेटेड एज L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, ये यूनिक फीचर है ऑसिलेटोरिया का, जो कि और किसी एल्गी में आपको नहीं मिलेगा देखने को। इसकी जो वॉल है वो चार लेयर से बनी होती है, जिसको L1, L2, L3 एंड L4 कहते हैं। ठीक, उसके अलावा इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द सेल वॉल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने जनरल कैरेक्टर में भी बताया था, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, अगर उनके सेल वॉल का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटोरिया का भी सेल वॉल जो है ये सिमिलरिटी शो करता है किससे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। द क्रोमोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ थैलेकोइड। क्रोमोप्लाज्म की अगर हम बात करें, तो अगर ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म ये पूरा पाया जा रहा है अंदर, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होता है क्रोमोप्लाज्म में। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा होता है उसको सेंट्रोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, आगे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो अगर ये प्रोटोप्लाज्म है पूरा, तो इसमें जो पेरीफेरी की तरफ होता है उसको हम कहते हैं, किनारे की तरफ जो होता है उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और सेंटर में जो होता है उसको सेंट्रोप्लाज्म या फिर कहा जाता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होता है क्रोमोप्लाज्म। और ऑसिलेटोरिया में जो क्रोमोप्लाज्म है ये बना होता है थैलेकोइड से। ठीक है, अब थैलेकोइड क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ थैलेकोइड। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो इस थैलेकोइड के सरफेस पे ऊपर एम्बेडेड होते हैं, इसके सरफेस पे ऐसे। एंड ये थैलेकोइड क्या करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस जो है इस थैलेकोइड में ही होता है। ठीक है, एंड देन इन फ्लोटिंग स्पीसीज गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट प्रोवाइड बाउंसी। ठीक है, कुछ जो फ्लोटिंग स्पीसीज होती हैं, ऐसी स्पीसीज ऑसिलेटोरिया की जो कि पानी के सरफेस पे तैर रही होती हैं, ठीक है, उनमें गैस वैक्यूल पाया जाता है जो कि उनको बाउंसी प्रोवाइड करता है, और गैस वैक्यूल की वजह से वो ऊपर पानी पे तैर पाती हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रल बॉडीज जिसको कार्बोक्सीजोम कहा जाता है एंड पॉलीफॉस्फेट बॉडीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो इनमें पॉलीहेड्रल बॉडी एंड पॉलीफॉस्फेट बॉडी भी देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बोक्सीजोम, पॉलीहेड्रल बॉडी को कार्बोक्सीजोम भी कहा जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको, और मैंने ये भी बताया था कि इस कार्बोक्सीजोम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो उस एंजाइम का क्या नाम है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कार्बोक्सीजोम में पाया जाने वाला जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, आगे ये स्ट्रक्चर देखिए ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट का, ये डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि पहला है ऑसिलेटोरिया एनी। ठीक है, ऑसिलेटोरिया एनी है, इसमें ये ऊपर का जो सेल है इसको एपिकल सेल बोला जा रहा है। ठीक है, और ये है हॉर्मोगोनियम।
हार्मोगोनियम का जो रोल होता है, ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया के थ्रू जो है एल्गी जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इन ये एपिकल सेल्स हैं और ये हार्मोगोनियम है, और इनके बीच में सेपरेशन डिस्क पाया जा रहा है, कुछ में, सारे में नहीं पाया जाता है, कुछ ऑसिलटेरिया के स्पीसीज में पाया जाता है। ठीक है, ये दूसरी स्पीसीज है, जैसे कि क्या नाम है इसका, ऑसिलटोरिया एक्यूमिनाटा। तीसरा है ऑसिलटोरिया प्रिंसेप्स एंड ऑसिलटोरिया प्रोबोसिडा। ये देखिए ऑसिलटोरिया प्रोबोसिडा जो है, इसके एपिकल सेल पे जो एपिकल सेल है वो कैलिप्टा का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑसिलटोरिया की स्पीसीज है ऑसिलटोरिया प्रोबोसिडा, जिसपे कैलिप्टा पाया जा रहा है। ठीक, ऑसिलटोरिया में एक फिनोमिनन देखने को मिलता है जो कि और किसी भी एल्गी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, गडूकॉफ फिनोमिना। ठीक है, गडूकॉफ फिनोमिना ऑसिलटोरिया में देखने को मिलता है, और ये फिनोमिनन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। गडूकॉफ इन 1902 ऑब्जर्व दैट स्पीसीज ऑफ ऑसिलटोरिया डेवलप डिफरेंट शेड्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, जो गडूकॉफ थे, इन्होंने 1902 ईस्वी में ये देखा कि जो ऑसिलटोरिया की कुछ स्पीसीज थी वो क्या कर रही थी, वो डिफरेंट तरीके के कलर शो कर रही थी, तब जब उनको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट दी जा रही थी। ठीक है, जब उनको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड की जा रही थी, जब उनके ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली जाती थी, तो वो डिफरेंट कलर शो करते थे। फॉर इंस्टेंस, अ स्पीसीज ऑफ ऑसिलटोरिया कैन एज्यूम अ ग्रीन कलर इन रेड लाइट, ब्लू इज ग्रीन कलर इन येलो लाइट। ठीक है, अगर उनको रेड कलर, रेड लाइट दिया जा रहा था तो वो ग्रीन कलर की दिख रही थी, और अगर येलो लाइट दिया जाता था तो वो ब्लू इज ग्रीन कलर की दिखती थी। ठीक है, सच अ कैपेसिटी टू चेंज कलर कॉम्प्लीमेंटेड टू दैट ऑफ द लाइट इज नोन एज क्रोमैटिक अडेप्टेशन और गडूकॉफ फिनोमिनन। ठीक है, तो अगर सिंपली बात करूँ तो जो ऑसिलटोरिया के स्पीसीज हैं, जब उन पे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली जाती थी, ठीक है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली जाती थी, उनका कलर जो है चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ऑसिलटोरिया की ये जो कैपेसिटी थी कि डिफरेंट लाइट पे ये डिफरेंट कलर शो करना, इसी फिनोमिनन को बोला गया क्रोमैटिक अडेप्टेशन या फिर गडूकॉफ फिनोमिनन। ठीक है, जिसमें रेड कलर देने पे वो ग्रीन कलर की दिख रही थी और येलो लाइट देने पे ब्लूइश ग्रीन कलर दिख रही थी। ठीक है, तो ये है गडूकॉफ फिनोमिना, जिसको दिया था गडूकॉफ ने 1902 ईस्वी में। ठीक है, और ये कैपेसिटी केवल ऑसिलटोरिया के स्पीसीज के पास ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट की। तो ऑसिलटोरिया एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, इसमें स्वतः मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, इन ऑसिलटोरिया टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड। पहला है ग्लाइडिंग या फिर क्रीपिंग मूवमेंट, दूसरा है ऑसिलटोरी मूवमेंट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको बताया था मूवमेंट के बारे में, तो मैंने ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में आपको गलत डेफिनेशन दे दिया था बाय मिस्टेक, मेरे से गलत डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से कीड़े मूव कर रहे होते हैं ना, ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे रेंग के आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से ऑसिलटोरिया में भी क्रीपिंग मूवमेंट या ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी मैं। ठीक है, और दूसरा जो मूवमेंट है वो है ऑसिलेटोरी मूवमेंट। ऑसिलेटोरी मूवमेंट क्या होता है और ऑसिलेटोरिया को ऑसिलेटोरिया क्यों बोला जाता है, ये इस मूवमेंट को पढ़ेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, द ट्राइकोम्स ऑफ ऑसिलेटोरिया मूव टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एक्सिस जस्ट लाइक द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। ठीक है, जो ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट होता है वो लेफ्ट में मूव करता है फिर राइट में मूव करता है। ठीक है, लेफ्ट में मूव करेगा फिर राइट में मूव करेगा फिर लेफ्ट में फिर राइट में, उसी तरीके से जैसे कि आपने दीवार घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है वो ऐसे लेफ्ट में फिर राइट में फिर लेफ्ट में फिर राइट में, ऐसे इस तरीके से वो मूव कर रहा होता है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो इस ऑसिलेटोरिया में देखने को मिलता है, और ये जो मूवमेंट होता है इस तरीके का, इसको ऑसिलेटोरी मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि ऑसिलेटोरिया में इस तरीके का मूवमेंट देखा गया था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच ऑसिलेटोरी मूवमेंट द जीनस इज नेम्ड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट देखा गया था ऑसिलेटोरिया जीनस में, इसीलिए इसको ऑसिलेटोरिया बोला गया। ठीक है, देखिए ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है जिसमें ऑसिलेटोरिया यहाँ था, फिर ये रेंग करके थोड़ा जैसे रेंगा, जैसे कीड़े रेंगते हैं उस तरीके से थोड़ा सा खिसक के आगे गया, फिर थोड़ा खिसक के आगे गया,
ठीक है, तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा वाला जो है ये ऑसिलटोरी मूवमेंट है, जिसमें क्या हो रहा है, कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से जो है मूव कर रहा होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरीके से मूव करके ये आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑसिलटोरी मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं कि ऑसिलटोरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कम्प्लीटली एबसेंट होता है। ठीक है, कम्प्लीटली एबसेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से इनमें ना तो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ना ही सेक्स गैमेट पाया जाता है, ठीक है, और ना ही सेक्सुअल जूस पोर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, या फिर जो गैमिट्स हैं, या फिर ठीक है मोटाइल गैमिट्स हो गए, जूस पोर्ट्स हो गए, तो कौन से एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑसिलटोरिया रिप्रोड्यूसेज ओनली वेजिटेटिवली। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है केवल देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एबसेंट होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बाई हार्मोगोनिया हो सकता है, या फिर बाई फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में आप समझ रहे होंगे, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। ठीक है, तो जो एल्गी होता है, जैसे कि ऑसिलटोरिया है, जब वो अगर ये फिलामेंट है, तो अगर ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और ये जो एक एक फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक नया फिलामेंट, एक नया एल्गी बना लेते हैं। तो इस तरीके से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद जो हार्मोगोनिया मेथड है उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द ट्राइकोम सम सेल्स आर फिल्ड विथ म्यूसिलेज एंड बिकम डेड। ठीक है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है फिलामेंट का ऑसिलटोरिया में, तो कुछ सेल जो होते हैं, जैसे कि ये फिलामेंट है और ये बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि ये सेल है, इसमें बहुत सारा म्यूसिलेज भर जाता है, ठीक है, और ये जो सेल है ये डेड कर जाएगी। ठीक है, इसकी डेथ हो जाएगी। तो जब इसमें बहुत सारा म्यूसिलेज भर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, तो इस सेल को कहते हैं नेक्रीडियम। ठीक है, एक सेल है तो उसको नेक्रीडियम बोलेंगे, और कई सारे होंगे तो उसको बोलेंगे नेक्रीडिया। ठीक है, द सेल्स ऑफ ट्राइकोम बिटवीन द टू नेक्रीडिया फॉर्म अ हार्मोगोनियम। ठीक है, ये फिलामेंट है और इसमें अगर यहाँ पे नेक्रीडिया है, ठीक है, नेक्रीडियम सेल है, डेड सेल है, और अगर यहाँ पे नेक्रीडियम है, ठीक है, तो इनके बीच में जो सेल्स पाई जाएंगी, इन सेल्स को ही बोला जाता है हार्मोगोनियम। ठीक, हार्मोगोनिया आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन दे फॉर्म न्यू ट्राइकोम। ठीक है, और ये हार्मोगोनिया क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं और रिपीटेड सेल डिवीजन करके ये एक नए ट्राइकोम का, नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑसिलटोरिया में रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे जेनरा की, जो है नॉस्टॉक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जेनरा है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। सिस्टमेटिक पोजिशन भी इसकी देखिए, डिवीजन साइनोफाइटा सेम है, क्लास भी सेम रहेगा साइनोफाइसी, ऑर्डर भी नॉस्टोकेल सेम रहेगा, फैमिली हो जाएगी नॉस्टोकेसी, ठीक है, और जीनस हो जाएगा नॉस्टॉक। ठीक है, ऑकरेंस की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर एल्गा है और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी शो करता है। सम आर एंडोफिटिक, कुछ नॉस्टॉक की स्पीसीज जो है एंडोफिटिक भी होती हैं। एंडो मतलब होता है अंदर, फिटिक मतलब प्लांट, ठीक है, तो ऐसे एल्गी जो कि प्लांट के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं एंडोफिटिक एल्गी। ठीक है, तो नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज जो हैं एंडोफिटिक होती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक पंक्टीफॉर्म। ठीक है, नॉस्टॉक पंक्टीफॉर्म जो है ये एंडोफिटिक है, और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द कोरेलॉयड रूट्स ऑफ साइकस एंड एंथोसरॉस थैलस। ठीक है, ये साइकस के कोरेलॉयड रूट में पाया जाता है, उसके अलावा एंथोसरॉस के थैलस में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एंथोसरॉस के थैलस में और साइकस के कोरेलॉयड रूट में कौन सा स्पीसीज पाया जाता है नॉस्टॉक का, या फिर कौन सा एल्गी पाया जाता है। तो नॉस्टॉक पंक्टी फॉर्म जो है ये पाया जाता है एंथोसरॉस थैलस में और साइकस के रूट में। ठीक, सम आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विथ फंजाई एंड आर कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन, जैसे कि नॉस्टॉक कॉलिमा एंड नॉस्टॉक स्फेरिकम। ठीक है, ये जो स्पीसीज है नॉस्टॉक की, ये क्या करती हैं, ये फंजाई के साथ एसोसिएटेड होती हैं सिम्बायोटिकली, और लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो फंजाई और नॉस्टॉक की ये स्पीसीज, जैसे कि नॉस्टॉक कॉलिमा और नॉस्टॉक स्फेरिकम जो है, मिल करके क्या करती हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो पहले मैं एल्गी पढ़ा रही हूँ, फिर मैं फंजाई पढ़ाऊँगी, और उसके बाद मैं लाइकेन पढ़ाऊँगी, क्योंकि लाइकेन में
एल्गी और फंजाई दोनों का कंपोजिशन होता है, ठीक है, दोनों से मिलकर के लाइकेन बनता है। तो लाइकेन के बारे में जानने से पहले आपको एल्गी और फंजाई के बारे में जानना होगा, तब आप लाइकेन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए पहले एल्गी और फंजाई कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं लाइकेन डिस्कस करूँगी, ठीक है। आगे देखिए, सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, जैसे कि नॉस्टॉक पंक्टीफॉर्म एंड नॉस्टॉक मस्कुलरूमर, ठीक है, ये जो स्पीसीज हैं दोनों, ये राइस फील्ड में ग्रो करती हैं, ठीक है। जो धान की खेती होती है तो धान के खेत में ये जो नॉस्टॉक की स्पीसीज है ये पाई जाती हैं, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये जो नॉस्टॉक की स्पीसीज है, नॉस्टॉक पंक्टीफॉर्म एंड नॉस्टॉक मस्कुलरूमर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करती हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। ये धान के खेतों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको सारी स्पीसीज़ का नाम याद होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नॉस्टॉक के थैलस के बारे में। द ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक आर यूनिसेरिएट एंड यूजुअली ट्विस्टेड इन वेरियस वेज। यूनिसेरिएट का मतलब होता है एक सिंगल रो में, ठीक है, इस तरीके से एक सिंगल ही रो में जो है ट्राइकोम पाया जाता है, इसका यूनिसेरिएट होता है एंड यूजुअली वेरियस वे में ट्विस्टेड होता है, मतलब ये कैसे भी ट्विस्टेड हो सकता है, किसी भी तरीके से ये मुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। ईच ट्राइकोम इज एनवेलप्ड इन अ जिलेटिनस सीथ, जो एक एक फिलामेंट होता है वो जिलेटिनस सीथ से कवर्ड होता है। द ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ हेटरोसिस्ट, ठीक है। जो नॉस्टॉक है वो उसका जो जनरल कैरेक्टर है, मतलब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि नॉस्टॉक में हेटरोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। हेटरोसिस्ट मैंने बताया था, हेटरोसिस्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, ठीक है। तो नॉस्टॉक में हेटरोसिस्ट पाया जाता है, और अगर हेटरोसिस्ट पाया जा रहा है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ठीक। द प्रोटोप्लास्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू द पेरीफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड द सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। मैंने बताया कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है एल्गी का, वो डिफ्रेंशिएट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिफ्रेंशिएट होता है पेरीफेरी की तरफ क्रोमोप्लाज्म में, और जो सेंटर में होता है उसको सेंट्रोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक। द क्रोमोप्लाज्म हैज़ पिगमेंट्स, साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। क्रोमोप्लाज्म में पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल जैसे कि साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन स्टार्च भी क्रोमोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद द न्यूक्लियस हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड दस कॉल्ड इनसेपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें इनसेपिएंट मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या है, कैसा है, न्यूक्लियॉइड जैसा होता है, ठीक है, या फिर हम इसे न्यूक्लियॉइड भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉइड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और ना ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में जो है डिस्पर्स होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, ना ही ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ना न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल किसी चीज़ से कवर्ड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में जो है डिस्पर्स होता है, ठीक है। तो एनसीपीएन टाइप का न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, जैसे कि नॉस्टॉक में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एनसीपीएन न्यूक्लियस किस में पाया जाता है या फिर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉस्टॉक रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली, ठीक है, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, और नॉस्टॉक में फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है रिप्रोडक्शन, उसके अलावा हार्मोगोनिया से हो सकता है, काइनेटिस से हो सकता है। तो हार्मोगोनिया की बात करें तो मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिनस सीथ ऑफ द कॉलोनी, ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनीज। जो हार्मोगोनिया है ये मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं जो कि जिलेटिनस सीथ से बने होते हैं, और ये रैपिडली ग्रो करते हैं और फिर न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एकाइनेटिस की बात करें तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड सम सेल्स ऑफ द ट्राइकोम आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेस्टिंग स्पोर्स और एकाइनेटिस। तो जब
अनफेवरेबल पीरियड होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है एल्गी के लिए जब वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो उस वक्त पे क्या होता है कि ट्राइकोम के जो फिलामेंट होता है उसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं रेस्टिंग स्पोर्स में, ठीक है। और इस रेस्टिंग स्पोर को ही एकाइनेटिस कहा जाता है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एकाइनेटिस जो जर्मिनेट करता है और एक नई एल्गी जो है उसे बन जाती है। अगला मेथड है हेटरोसिस्ट। वैसे तो हेटरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट नॉस्टॉक के केस में हेटरोसिस्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड भी है। तो इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कम्यून, ठीक है, हेटरोसिस्ट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर, ठीक है। तो नॉस्टॉक कम्यून जो स्पीसीज है नॉस्टॉक की, उसमें जो हेटरोसिस्ट पाया जाता है वो रेस्टिंग स्पोर की तरह भी हेल्प करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये हेटरोसिस्ट जो है एक पूरी की पूरी एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। उसके बाद है एंडोस्पोर मेथड। तो एंडोस्पोर के थ्रू जो जर्मिनेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक द प्रोटोप्लाज्म ऑफ, यहाँ पे डबल एफ नहीं होगा, सिंगल ऑफ होगा, ये गलती से हो गया है, ठीक है। इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक द प्रोटोप्लाज्म ऑफ, यहाँ पर भी, द हेटरोसिस्ट डिवाइड सक्सेसिवली टू फॉर्म एंडोस्पोर, ठीक है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो हेटरोसिस्ट होता है इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवाइड कर लेता है, और फिर ये बनाता है एंडोस्पोर, ठीक है। उसके बाद एंडोस्पोर आर नॉट रेस्टिंग स्पोर, ठीक है। ये जो एंडोस्पोर बनते हैं हेटरोसिस्ट से, ये रेस्टिंग स्पोर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बन गए और ये वेट करेंगे कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम जर्मिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंडोस्पोर बनते हैं, ये फिर जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी से अलग होके ये जर्मिनेट करके नया एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ नॉस्टॉक। इसका डायग्राम देखिए, ये सीथ है जो कि म्यूसिलेजिनस सीथ है, जो कि इसके ऊपर पूरा इसको कवर करके रखती है नॉस्टॉक को। उसके बाद ये अंदर पाया जा रहा है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, जो कि इसका रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। एकाइनेटिस पाया जा रहा है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। रेस्टिंग स्पोर्स हैं, एंड ये रहा हेटरोसिस्ट, ठीक है। और ये हेटरोसिस्ट में पोलर नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक फिलामेंट नॉस्टॉक का। अब बात करते हैं ग्लॉयोट्रेकिया के बारे में, जो कि तीसरा जेनरा है ब्लू ग्रीन एल्गी का। डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली है रिवुलेरिएसी, एंड जीनस है ग्लॉयोट्रेकिया, ठीक है। अकरेंस देखिए, फ्रेश वाटर एल्गा फाउंड फ्लोटिंग इन पूल्स एंड पॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल म्यूसिलेजिनस कॉलोनी, ठीक है। ये फ्रेश वाटर एल्गा होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये स्फेरिकल म्यूसिलेजिनस कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। और ये पॉन्ड्स में, पूल्स में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनस कॉलोनी बना के पॉन्ड में, पूल में, ऊपर सरफेस पे ये तैर रहे होते हैं, ठीक है, सरफेस पे पाए जाते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बाई एक्टिव ट्रांसवर्स डिवीजन, ग्रोथ जो है ट्रांसवर्स डिवीजन से होता है, एंड दिस जो ट्राइकोथेलिक ग्रोथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ होता है ग्लायोट्रेकिया में वो ट्राइकोथेलिक टाइप का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ट्राइकोथेलिक ग्रोथ कौन से एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। तो ग्लायोट्रेकिया जो है ट्राइकोथेलिक ग्रोथ शो करता है। अब बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर की। द प्लांट बॉडी इज विप लाइक यूनिसेरिएट ट्राइकोम, ठीक है। विप लाइक यूनिसेरिएट ट्राइकोम होता है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द बेस ऑफ ईच ट्राइकोम देयर इज अ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल हेटरोसिस्ट विथ थिक वॉल, ठीक है। तो ग्लायोट्रेकिया में जो हेटरोसिस्ट पाया जाता है वो या तो स्फेरिकल होगा, मतलब राउंड शेप्ड, या फिर सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हेटरोसिस्ट होता है उसमें काफ़ी थिक वॉल पाई जाती है, और मेन बात यह है कि ये जो है, ये प्रत्येक जो फिलामेंट पाया जाता है उसके बेस पे होता है। जैसे अगर ये फिलामेंट है तो इसके बेस पे हेटरोसिस्ट पाया जाएगा, और वो या तो स्फेरिकल शेप का हो सकता है या फिर सिलिंड्रिकल शेप में हो सकता है, और हेटरोसिस्ट जो है कवर्ड होता है काफ़ी थिक वॉल से, ठीक है। डायग्राम देखिए, ये पूरी कॉलोनी है जिलेटिनस मास, पूरी कॉलोनी बना के ये वाटर के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। और अगर एक सिंगल ग्लायोट्रेकिया की बात करें तो ये एक सिंगल ग्लायोट्रेकिया है, इसमें ये बेस पे दिख रहा है आपको, ये हेटरोसिस्ट है जो कि स्फेरिकल शेप्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी थिक वॉल पाई जा रही है, ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये काफ़ी थिक वॉल पाई जा रही है। और ये है एकाइनेटिस, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जिलेटिनस सीथ से कवर्ड होता है, ठीक है।
और ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ग्लायोट्रेकिया का। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्लायोट्रेकिया भी वेजिटेटिवली ही ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन एकाइनेटीज के थ्रू हो सकता है और हार्मोगोनिया के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कैसे होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब लास्ट स्पीसीज के, लास्ट जेनरा के बारे में बात करते हैं, जो कि है साइटोनिमा। ठीक है, साइटोनिमा सिस्टमैटिक पोजीशन है, ये तो सेम है। ठीक है, ये तीनों सेम है। फैमिली क्या है, साइटोनिमेटेसी है, और जीनस है साइटोनिमा। अकरेंस क्या है, ये भी फ्रेश वाटर एल्गा है, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। साइटोनिमा कैलेरियम हैज़ बीन रिपोर्टेड इन हॉट स्प्रिंग एंड साइटोनिमा ऑसिलेटम इज मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। तो जो साइटोनिमा कैलेरियम है ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता है, जबकि साइटोनिमा ऑसिलेटम जो है ये मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में आता है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पीसीज का नाम देकर के एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि कौन सा स्पीसीज है जो कि टेरेस्ट्रियल है और कौन सा जो है हॉट स्प्रिंग में पाया जा रहा है, या फिर कौन सा फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बाई रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे इनकी ग्रोथ होती है। थैलस स्ट्रक्चर, ये भी फिलामेंटस सेल का है, लेकिन सबसे खास बात ये है इनकी, इनमें फाल्स ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि फाल्स ब्रांचेस किस एल्गी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो किस एल्गी में पाई जाती हैं, साइटोनिमा में। ठीक है, साइटोनिमा में फाल्स ब्रांचेस पाई जाती हैं और ये फिलामेंटस एल्गी है। ईच फिलामेंट इज सराउंडेड बाई इंडिविजुअल म्यूसिलेजिनस सीथ। ठीक है, जितनी भी फिलामेंट्स हैं वो सब की सब म्यूसिलेजिनस सीथ से कवर्ड होती हैं। द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज पॉजेस पिगमेंटेड सीथ्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट साइटोनेमिन। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उनमें जो सीथ पाई जाती है, जो सीथ कवर करके रखती है, जो म्यूसिलेजिनस सीथ उसको कवर करके रखता है, उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें कलरफुल दिखता है। और उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, साइटोनेमिन। ठीक है, इस साइटोनेमिन पिगमेंट की वजह से हमें टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो है कलरफुल पिगमेंटेड दिखते हैं, क्योंकि उनके सीथ में ये पिगमेंट पाया जाता है। क्रोमोप्लाज्म कंटेन्स सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं जो कि क्रोमोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनको ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनसेपियन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि सारे ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, साइटोनिमा का थैलस है, जिसमें फाल्स ब्रांचेस पाई जा रही हैं। ठीक है, और इनके फिलामेंट के ऊपर म्यूसिलेजिनस सीथ पाया जा रहा है जो कि कवर करके रखता है पूरे फिलामेंट को, और ये सेल्स हैं अंदर, और ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, और हेट्रोसिस्ट के अंदर ये नोड्यूल पाया जा रहा है। ठीक है, ये साइटोनिमा का थैलस है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो साइटोनिमा में भी जैसे ग्लायोट्रेकिया में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली, मतलब ये तो कॉमन है सारे ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो जैसे ग्लायोट्रेकिया में एकाइनेटीज और हार्मोगोनिया से हो रहा था रिप्रोडक्शन, उसी तरीके से साइटोनिमा में भी एकाइनेटीज और हार्मोगोनिया से ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जनरल कैरेक्टर और साथ में जो भी जनरा हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।